हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज वेजन। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि आप सभी लोग कैसे हैं और किसका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में हुआ है और किसका मेरिट लिस्ट में अभी नाम आया है, किसने फ़ीस सबमिट कर दी है और कौन है जो अभी भी वेट कर रहा है और कौन ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो। सो बेसिकली यहाँ पर मैं बात करने के लिए आई हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो इसमें काफ़ी लोग ये कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि मैम 31 मई आपने इसकी लास्ट डेट बताई है जो कि रियल था। अब बच्चे ये बोल रहे हैं कि क्या मैम अब फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या इसकी डेट एक्सटेंड हो सकती है, करेक्शन विंडो का क्या प्रोसीजर है, प्लस हॉस्टल का भी कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड भी कर दिया था बट बच्चों आपने वो वीडियो देखा नहीं। अगर आप वो वीडियो देखते हो तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता, बट कोई नहीं, ये वीडियो भी आपके लिए ही है। इसमें हर एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी, चाहे वो हॉस्टल हो, मतलब मैं ये भी बताने वाली हूँ क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाई उसमें मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बताया लेकिन डॉर्मेट्री नहीं बताया। डॉर्मेट्री इन द सेंस जो हॉस्टल हैं उसमें जो बच्चे वेटिंग में जाते हैं उनको डॉर्मेट्री कैसे मिलता है उसके बारे में। सो यस, चलो यहाँ पे हम एक बार देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या है। सबसे पहले मेरिट लिस्ट और करेक्शन विंडो और डेट पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे नोटिस देख सकते हो, ये 31 मई की लास्ट नोटिस है जो कल आई थी, वो भी वर्ल्ड कैंसर डे पे आई थी, जो कि आपके लिए कोई भी हेल्पफुल नहीं है। मतलब आपको अभी एडमिशन ही नहीं मिला है तो इसके लिए क्या ही मतलब है। सो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग स्पेशल एग्जामिनेशन जुलाई। जो स्पेशल एग्जामिनेशन जिनका बैक लगा है उनका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में हो सकता है, तो प्लीज़ वो सारे अवेयर हो जाएं। वैसे तो आप लोगों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपका कोई भी स्पेशल एग्ज़ाम नहीं लगा हुआ है क्योंकि एडमिशन ही नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जो BBAU में ऑलरेडी हो तो उसके लिए मैं बता दे रही हूँ कि स्पेशल एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट कराया गया है, तो आप लोग देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नोटिस रिगार्डिंग ऑल फाइनल सेमेस्टर हॉस्टलर्स टू वैकेंट द हॉस्टल रूम्स टिल 4/6, मतलब 4 जून तक का भैया आप जो भी हॉस्टल में बच्चे थे वो चले जाएंगे। मतलब आपको यहाँ पे एक नोटिस प्रोवाइड करेगी, तो ये नोटिस आप खोल के भी देख सकते हो, तो जब वो जाएंगे तभी आप सब लोग आ पाएंगे उस रूम में। तो ये बेसिकली उससे रिलेटेड है, इसका मतलब आपके हॉस्टल से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। मतलब यहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है कि आपको हॉस्टल में बुलाया जाए और फॉर्म का भी रिलीज़ डेट अभी निकाला जाएगा, फॉर्म भी रिलीज़ कर दिए जाएंगे जो 2024 to 2025 रहेगा। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी करेक्शन विंडो की। तो जैसा कि आप यहाँ पे लास्ट नोटिस देख रहे हो, नोटिस आई थी 22 को, रजिस्ट्रेशन फॉर PG प्रोग्राम एक्सटेंड अप टू 31, मतलब 31 तक की इसकी लास्ट डेट थी और 22 को ही आई थी। तो मतलब अगर कोई डेट आनी होती इसकी एक्सटेंशन की तो ये 31 मतलब कल के दिन ही आ जाती। अब हम बात करते हैं करेक्शन विंडो की। तो बेटा मैं करेक्शन विंडो की अगर बात करूँ ना, तो अगर आनी होती अभी तक आ जाती। मैंने जैसा कि पहले भी बोला था कि मुश्किल है यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन होना क्योंकि BBAU में कुछ वही है कि इरेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर इन्होंने एडमिशन के लिए ही इतना एक्सटेंड कर दिया तो इतना सारा सब कुछ इनको झेलना पड़ रहा है, मतलब झेलना इन द सेंस प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो रही है तो इनको दिक्कत हो रही है कि अरे हमारी तरफ से तो सही है, बच्चे कॉल क्यों कर रहे हैं, ये है वो है, और करेक्शन विंडो क्या ही। अब करेक्शन विंडो करेंगे तो भैया इनको तो और उसमें प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो बस वही नहीं करना चाहते इसलिए करेक्शन विंडो नहीं आई। और अगर आनी होती तो आ जाती, अगर आनी होगी तो बस आज आनी होती तो आ जाती, वरना नहीं तो कल आ जाएगी। अब कल के बाद फिर आप एक्सपेक्ट भी मत करिएगा कि इसने अपनी करेक्शन विंडो ओपन करनी है, ठीक है। अब जो भी आनी है, मेरिट लिस्ट आनी है, तो वो 10 जून से पहले तो मुझे नहीं लगता है कि आएगी क्योंकि ये लोग UG जो अनरिजर्व वाले बच्चे हैं उनका जब कंफर्मेशन हो जाएगा मुझे लगता है उसी के साथ में ये प्रोसीड कराएंगे आपका एडमिशन, ठीक है। तो इसकी बात हो गई। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैम इसमें हाईएस्ट जाएगा, कट ऑफ तो हाई जाएगा, तो देखो बच्चों हम कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं क्योंकि इसका जो प्रीवियस एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे कम वाले भी बैठे होंगे तो फिर उससे बहुत दिक्कत होगी इनको, और फिर हाइयर वाले बच्चे होंगे तो उनका तो चलो ठीक है, बट वही है प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनके में कम मार्क्स तक भी जाएगा लेकिन सीट्स के अकॉर्डिंग जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, किस्मत अच्छी होगी मिल जाएगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा, बस वही चीज़ें हैं। अब ये बात हो गई उसकी कट ऑफ की। कट ऑफ हायर वही 232 तक भी जा सकती है, लोअर में अगर हम बात करें तो 70 तक भी आ सकती है, इवन 56 भी पिछली बार गया था,
वहाँ तक भी यहाँ पे एडमिशन हुए थे। चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल्स पे। तो हॉस्टल के लिए बस जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुन लो। हॉस्टल में क्या होगा, जैसे यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी काफ़ी बेस्ट है, इसके लिए तो मैं बोलूँगी हॉस्टल फैसिलिटी और पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे। हॉस्टल फैसिलिटी गर्ल्स और बॉयज़ के लिए हैं। गर्ल्स के लिए 3 से 4 से 5 हॉस्टल हैं क्योंकि नया भी हॉस्टल। बॉयज़ के लिए भी कुछ ऐसे ही 3 से 4 हॉस्टल्स हैं, मिस का भी अलग से रहता है। हॉस्टल का जो फीस है वो 2600 समथिंग रहता है। अगर आपको 4600 समथिंग देना होगा तो 2000 रुपीस कॉशन मनी हो जाएगा, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो। और वैसे एक जो SC ST वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीस देना पड़ता है 6 महीने का, और पर डे का 85 रुपीस मेस का देना पड़ता है। अगर आपको मतलब मेस नहीं पसंद आती तो दूसरे मेस में भी जा करके खा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला, वेटिंग में चला गया, तो आपको ना वहाँ पे डॉर्मेटरी मिल जाता है। डॉर्मेटरी में क्या होता है, वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है, उसमें बहुत सारे बेड पड़े हुए हैं, तो उसमें आपको मतलब सबके साथ में रहना होता है। तो मतलब वैसा है, तो वहाँ पे उसके बाद जब जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे नीचे वाले रूम खाली होते वैसे वैसे वहाँ पे आपको शिफ्ट कर दिया जाता है, आपको हमेशा के लिए डॉर्मेटरी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये इतनी सी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी, क्योंकि आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ होकर बैठे हो करेक्शन विंडो को लेके और उसको मेरिट लिस्ट को लेके। तो मेरिट लिस्ट अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता है कि 20 जून या 10 जून से पहले आएगी। अगर आनी होगी तो 10 जून से पहले आ जाएगी, वरना 10 से 20 जून के पहले आएगी। और हो भी सकता है क्या पता लिस्ट अभी कोई ना कोई दे दें, कोई नोटिस ये लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। नोटिस प्रोवाइड कर देंगे ना तो काफ़ी कुछ क्लियरेंस हो जाएगी हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये जो स्पेशल एग्जामिनेशन है ये उन बच्चों के लिए हैं जिनका यहाँ पे बैक लगा हुआ था, ये उनके लिए है, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे हो तो भाई जुलाई में है, आप लोग प्रिपरेशन कर लो, दे देना। और यहाँ पे फाइनल सेमेस्टर जो हॉस्टल्स हैं यहाँ पे वो हॉस्टल खाली कर देंगे 4 तारीख को, और उसके बाद जो हॉस्टल में वैकेंसी होगी उसके बाद आपका फॉर्म रिलीज़ होगा। फॉर्म रिलीज़ होने के बाद बेसिकली देखा जाए तो ये लोग थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर रहे हैं, तो फॉर्म रिलीज़ होगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा और फिर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना होगा। और डॉक्यूमेंट वगैरह कौन से लेने हैं सब कुछ मैंने आपको एक वीडियो बना के दे दिया है, उसमें देख लेना। आपका जो हॉस्टल है वो डिपेंड करता है आपकी मेरिट लिस्ट पे, मतलब मेरिट आपकी कितनी गई है, कितने मार्क्स हैं आपके, और डिपेंड करता है आपके डिस्टेंस पे। आपका डिस्टेंस भी होना चाहिए, ऐसा नहीं आप लखनऊ के ही रहने वाले हो, मेरिट आई है आपकी 232 तो आपको हॉस्टल मिल जाए, नहीं। आपका डिस्टेंस भी अच्छा खासा होना चाहिए और मेरिट भी ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक ठाक मतलब आपका ठीक ठाक, हाईएस्ट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जाने की। किसी किसी की तो किस्मत अच्छी होती है, कम मार्क्स में भी एडमिशन यहाँ पे जो हॉस्टल होता है उसमें मिल जाता है, कोई वो नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने दूर से हो, क्या हो। अगर आपका डिस्टेंस 200 है तो मैं आपको बोल रही हूँ कि उसको कैसे भी बढ़ा चढ़ा के 300 समथिंग डालो, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस का थोड़ा सा ये देखते हैं और दोनों का देखते हैं, मेरिट लिस्ट और डिस्टेंस। आपका ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो आपका ये एक्सेप्ट कर लेंगे, और बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो कोई बात ही नहीं है, उनको तो मिल ही जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आपको BBA से रिलेटेड जाना, ये इसकी लाइब्रेरी है, ये आप देख सकते हो, ये लाइब्रेरी थी, ये जो उधर दिख रही है लाइब्रेरी है। ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी के लिए तो मैं बोलूँगी कि बहुत सही लाइब्रेरी, इसका कैंपस बहुत सही है। और यहाँ पे ये इधर से जाएंगे तो आपको बॉयज़ हॉस्टल सब दिखेंगे, ये बॉयज़ हॉस्टल की साइड का ये रूट है। प्लस अभी नेक्स्ट ये जब यहाँ पे सारा वो होता है ऑडिटोरियम में, तो उस टाइम का है, ये हॉल है, ऑडिटोरियम एक बना हुआ है जो बाहर भवन है, और ये ऑडिटोरियम का है। ये जो फ़ोटो है ये ऑडिटोरियम, अभी मुर्मू जी आई थी, द्रौपदी मुर्मू, तो इनसे ये जो PhD वाली, ये PhD स्कॉलर है, मतलब जो टॉपर थे उनको इन्होंने दिया था। और ये इसका भवन है जहाँ पे आपका इस टाइम काम हो रहा है, एडमिशन वाला, एडमिशन सेल। ये उधर पीछे देख सकते हैं, पीछे ऑडिटोरियम है, और ये इसकी लाइब्रेरी है। बहुत ही सही लाइब्रेरी है लिटरली, मतलब मुझे मज़ा आता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब आता था वैसे, अभी भी मैं जाती हूँ, लेकिन बहुत सही है। सो ये सब आप देख सकते हो। और यहाँ से जब आप जाओगे तो हॉस्टल्स पड़ जाते हैं, और मतलब काफ़ी कुछ है, बहुत बड़ा कैंपस है। तो ओके, थैंक यू सो मच। अगर और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पे पर्सनली ढूंढ के भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, और अदर जो भी वीडियोज़ हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, उसको आप देख लीजिएगा, आप उसमें सारा सब कुछ क्लियर कर लीजिएगा। अगर और कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स एंड इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।